नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेंद्र डबास द ट्रेवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेंद्र डबास। आज हम आए हैं जिम कॉर्बेट, और ये जिम कॉर्बेट से लगभग 20 किलोमीटर पहले ये यहां पर रिजॉर्ट्स हैं इस नदी के बिल्कुल साथ। एक बार दिखाएंगे, इस तरफ रिजॉर्ट्स हैं ये। तो ये जो रिजॉर्ट्स हैं और जिम कॉर्बेट की सफारी और यहाँ का जो आनंद लेंगे हम ये बताएंगे। तो दिखाएंगे आपको यहाँ ये रिजॉर्ट्स कितने महंगे हैं, यहाँ का खाना कैसा है, आप यहाँ क्या इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ का मौसम कितना शानदार है वो बाद में दिखाऊंगा मैं। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आते हैं तो ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप मेरे को किस खामियों के कारण जो है वो वीडियो पसंद नहीं आते हैं, तो आगे हम उनको बिल्कुल दूर करेंगे और आपके सुझाव ज़रूर मानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। स्विमिंग पूल विद जकूजी, और पीछे है इसका बगीचा। ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है आपको बगीचा, ठीक है। और ये अब ऊपर है स्वीप, जिसकी कीमत है 2500 रुपीज पर हेड विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और नीचे है सिंगल रूम्स, ये है पूरा वो रिजोर्ट। एक बार दिखाइए रिजोर्ट, दिखाइए इनको। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अपना कमरा। आइए, ये है मेरा रूम। ये देखिए, ये है रूम, डबल बेड, एसी के साथ, एलईडी टीवी, और बहुत ही क्लीन वॉशरूम। आइए, बताइए। तो मेरे हिसाब से इन्होंने मुझे बोला था 2000 रुपये पर हेड विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, लेकिन हमने बार्गेनिंग किया इनसे, बार्गेन करने के बाद 1600 रुपये पर हेड हमने इनको पे किया है 2 दिन के लिए। तो यदि आप भी यहाँ आना चाहें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप डेफिनेटली यहाँ इंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ घूमने लायक बहुत है। आप सुबह शाम एक्सरसाइज कर सकते हैं, आगे आप वॉक कर सकते हैं, गार्डन है, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप गार्डन में घूम सकते हैं, और ये चारों तरफ जो है हरियाली का नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ इससे आगे जो है पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, और आप यहाँ डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। इसके बराबर वाला बिल्कुल जो है लेमन ट्री है, और इस रिजॉर्ट का नाम है ड्यू ड्रॉप मैंगो ब्लूम। तो रूम्स को देखने के बाद अब हम चलते हैं इस रिजॉर्ट के गार्डन की तरफ, और गार्डन भी बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पे, इतना बड़ा रिजॉर्ट है कि आप सुबह शाम यहाँ वॉकिंग कर सकते हैं, और इसके पिछली बैक साइड में ही कोसी रिवर है, और आप रिवर पर भी जा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। तो जब तक हम जो है इस गार्डन में घूम रहे हैं, तब तक कुछ बातें कर ली जाए जिम कॉर्बेट के बारे में, कि जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है,
जिसको 1936 में बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की सबसे खास बात यह है, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर की गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय पर्वत की तलहटी और राम गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड नैनीताल जिले में स्थित है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस पार्क में पेड़ों की लगभग 50 प्रजातियां, 580 पक्षियों की प्रजातियां और जानवरों की 50 प्रजातियों के अलावा सरीसृप की 25 प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए दिखाते हैं आज यहाँ डिनर में क्या क्या है। ये है किचन एरिया, काफी अच्छा है, फुल्ली एसी। दिखाइए आपने आज क्या क्या बना रखा है हमारे लिए। सबसे पहले इधर है सैलेड, बहुत ही बढ़िया सैलेड है। ये बूंदी रायता, सर ये पनीर बटर मसाला आपका, बहुत ही बढ़िया। और सर ये वेज तो हुआ है सर, वेज इसमें सर दाल है येलो दाल तड़का, बहुत ही बढ़िया। ये सर राइस, जीरा राइस ना, वेरी नाइस। चिकन करी अपना, बहुत ही बढ़िया। और सर स्वीट डिश में अपने पास सेवैया की, सेवैया ठीक है। एवरी डे मतलब मिठाई में, मीठे में मतलब अलग अलग कुछ बनता है। आपका नाम सचिन, बहुत बढ़िया। आपका डिनर अच्छा है, बाकी टेस्ट जब बताएंगे जब हम इसे खाएंगे, ठीक है। डिनर जो है काफ़ी स्वादिष्ट था जो हमने कल रात को खाया, और अब सुबह आज हम आ पहुँचे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट भी बहुत ही अच्छा था इस रिज़ोर्ट का, तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि खाना, डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों ही काफ़ी अच्छे थे। तो आगे चलिए, आगे और बात करते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। तो ये देखिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको कोसी रिवर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो कोसी रिवर को देखेंगे और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये है कोसी रिवर, जो कि बिल्कुल जो हमारा रिजोर्ट है उसके बैक साइड में है। आप इस कोसी रिवर के किनारे यहाँ वॉक कर सकते हैं, यहाँ सुबह शाम घूम सकते हैं, और चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियों के बीच में कोसी रिवर की नदी के किनारे ये 5 या 6 रिजोर्ट्स हैं, जो कि सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं। तो आगे हम फिर से बात करते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यात्रा करने के बारे में विचार बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस पार्क के लिए पूरे साल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसकी यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय है नवंबर और फरवरी के बीच में। सर्दियों के मौसम के दौरान सभी क्षेत्र खुले होने की वजह से आप यहां अधिक जानवरों को देख पाएंगे। यहां गर्मियां ज़्यादा नहीं पड़ती, इसलिए गर्मियों का समय अधिकांश जानवरों को जल निकायों के पास देखने का यह अच्छा समय होता है। मानसून, जून से अगस्त का मौसम यहाँ जाने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इन महीनों के दौरान पार्क ज़्यादातर समय बंद रहता है। तो आगे हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट में सफारी के बारे में। तो कौन कौन से जोन हैं, कितने जोन हैं, तो जैसा कि ये मैं आपको ये फोटोज़ के जरिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से जोन हैं और ये कब कब खुलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिकाला जोन की, जो कि 32 किलोमीटर दूर है रामनगर से, और ये खुलता है 15 नवंबर से 15 जून के बीच में। और यदि आप यहां जाना चाहते हैं तो एक महीना पहले इसकी रिजर्वेशन खुलती है, आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। और ज़्यादा रोमांच आपको जब आएगा जब आप डिकाला जोन के अंदर एक रात बिताते हैं। तो आगे दूसरे जोन की तरफ चलते हैं। दूसरा जोन है बिजरानी जोन। जो खुलता है 15 अक्टूबर से 30 जून के बीच में। तो ये जोन भी बहुत ही अच्छा जोन है सफारी के लिए। तो आगे चलते हैं, आगे है झरना जोन, जो कि 15 किलोमीटर है रामनगर से, और ये जोन पूरे साल खुला हुआ होता है। तो आप यहाँ जाएं तो कम से कम 15 दिन पहले बुकिंग करवाएं।
आगे बात करते हैं डेला जोन की, जो कि पूरे साल खुला हुआ होता है। तो यहाँ भी अगर आप जाते हैं डेला जोन की सफारी के लिए तो आप पहले बुकिंग करवा के जाएं। आगे है दुर्गा देवी जोन, जो कि रामनगर से 28 किलोमीटर दूर है और ये भी 15 नवंबर से 15 जून के बीच में खुलता है। इसमें जीप सफारी होती है, तो आप यहाँ जाएं तो कम से कम एक महीना पहले अपनी बुकिंग करवा के जाएं। और ये जोन भी काफ़ी अच्छा है, देखने लायक है, तो यहाँ पर भी आप ज़रूर जा सकते हैं। आगे है सीताबनी फॉरेस्ट जोन, जो कि पूरे साल खुला होता है, ये भी एक अच्छा जोन है, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और आगे तो ये थे जिम कॉर्बेट के फेमस जोन्स, जहाँ पर आप जंगल सफारी कर सकते हैं जीप से, एंटर से, एलिफेंट सफारी, और आप यहाँ पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो जंगल सफारी लगभग जो है 3800 रुपये से 4500 रुपये के बीच है, कैंटर सफारी जो है 1500 रुपये पर हेड के बीच में है। तो आप इन सफारियों का 3500 रुपये एलिफेंट सफारी के हैं, तो आप जो है अलग अलग सफारियों का आनंद उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चयन करना होगा कि आपको किस जोन की सफारी करनी है। तो सबसे फेमस जोन डिकाला जोन है, तो यदि आप डिकाला जोन की सफारी करना चाहते हैं तो जैसा कि आप मैंने बताया कि 15 नवंबर से और 15 जून के बीच में ये खुलता है, तो आप यहाँ जाना चाहें तो कम से कम भी एक महीने पहले फ़ोन करके अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें और तब वहाँ जाएं। तो दोस्तों, हमने चूँकि पहले एडवांस सफारी बुकिंग नहीं करवा रखी थी, इसलिए हमें किसी भी जोन की अच्छी सफारी नहीं मिल पाई, क्योंकि जो डिकाला जो फेमस जोन है ये तो बंद था इस समय जब हम बारिश के मौसम में गए थे। तो ढेला जोन जो है खुला हुआ था, उसकी भी हमें नहीं मिल पाई क्योंकि हमारे पास एडवांस बुकिंग नहीं थी। तो हम निकल पड़े हैं रोड सफारी पर। रोड सफारी की जो जीप की जो कीमत थी वो हमने पे की 3500 रुपये, और इसमें हम जो है 5 फ्रेंड्स थे। तो 3500 रुपये में मेरे हिसाब से ये 3500 रुपये बिल्कुल ख़राब थे। लेकिन यदि आपको कोई भी सफारी नहीं मिले तो आप ये रोड सफारी कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। सिर्फ एक रोड से आप अंदर जाएंगे, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक झरना होता है, एक रिवर होती है और एक क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट होता है। तो इसमें आपको ये 3 चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो आप यदि अपनी गाड़ी भी यहाँ पर लेके जाना चाहें तो अपनी गाड़ी यहाँ इस रूट पर लेके जा सकते हैं, जिसको ये लोग रोड सफारी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रोड सफारी वेस्टेज ऑफ मनी है, तो आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आगे जिम कॉर्बेट के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के इतिहास के बारे में। प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षणवादी और लेखक जिम कॉर्बेट ने 1930 के दौरान इस क्षेत्र की स्थापना ब्रिटिश सरकार की सहायता से की थी। इसके बाद फिर साल 1936 में इस क्षेत्र के लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए हैली नेशनल पार्क नाम का एक वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया था। 1955 से 1956 में इस जगह का नाम बदलकर आरक्षित क्षेत्र का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। तो ये था इसका इतिहास। तो चलिए बात करते हैं इस जिम कॉर्बेट में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर के साथ साथ अन्य जैसे एशियाई ब्लैक बियर, वॉकिंग डियर, हॉग डियर, सांबर स्लॉथ भी बेहद खास हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहाँ पक्षियों की 600 प्रजातियों का घर है, जिनमें ग्रेट चेतक ब्रा, हार्नबिल, सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, मोर, हादसन, बुश चैट, नारंगी स्तन वाले हरे कबूतर, समुद्री मछली ईगल, गोल्डन ओरियो, मछली उल्लू शामिल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लुप्त प्राय सरीसृप, मुगर, मगरमच्छ और किंग कोबरा भी पाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस जिम कॉर्बेट पार्क में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
भारत के वनस्पति सर्वेक्षण की माने तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लगभग 521 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में पेड़ों की एक चौंका देने वाली 600 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें घास, पर्वतरोही, बांस, झाड़ियां, फर्न के नाम शामिल हैं। यह रिजर्व पार्क विविध वनस्पतियों में बहुत धनी है। यहाँ पर ताजे पानी की वनस्पति और अल्पाइन वनस्पति दोनों शामिल है। यह पार्क साल के जंगल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इस आरक्षित क्षेत्र 75% से अधिक भाग को कवर करता है। पेड़ों में सबसे प्रमुख प्रजातियों में साल, खेर और सीसो के नाम शामिल हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जिम कॉर्बेट पार्क कैसा है, इसके कौन कौन से मुख्य जोन हैं, आप किस सीजन में यहाँ जाएं, जाने से पहले आप यहाँ बुकिंग ज़रूर करवाएं और कौन कौन से जोन आपके लिए सही हैं, इसका निर्णय आप जो है पहले ही लेकर और पहले ही रिजर्वेशन करवा के यहाँ जाए। तो एक बार मैं आपको दोबारा जो है इन बातों को और बता देता हूँ। ये है पहला पॉइंट जिसके बारे में मैंने बात की थी, ये है वो झरना जो रोड सफारी में दिखाया जाता है। इस झरने पर आप नहा सकते हैं और इससे आगे आएगी वो रिवर और उससे आगे आएगा क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट, ये आ गई वो रिवर। तो मैं एक बार फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ कि यहाँ कौन कौन से जोन हैं जिसकी आपको यात्रा करनी चाहिए। तो सबसे पहले है झरना सफारी जोन, उसके बाद आता है ढेला सफारी जोन, इससे आगे आता है ढिकाला जोन जो कि जिम कॉर्बेट का सबसे फेमस जोनों में से एक जोन है, इससे आगे आता है दुर्गा देवी जोन जो कि काफ़ी फेमस है, फिर इससे आगे जो जोन आता है वो है बिजरानी जोन और उसके बाद झरना सफारी जोन और फिर उसके बाद आता है ढेला जोन। तो हमने जो है तकरीबन आपको सारे जोन जो है बता दिए हैं और आपने भी मेरे हिसाब से ये पता लग गया होगा आपको कि आपको यदि जिम कॉर्बेट जाना है, जंगल सफारी करनी है, तो आपको किस जोन का चयन करना है। और आप यहाँ यदि आप बिना रिजर्वेशन के जाएंगे तो आप यहाँ इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का अर्थ इतना ही है कि आप यहाँ जाते हैं तो एडवांस में रिजर्वेशन करवाइए। ये है क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट और वो पीछे थी योर रिवर, ठीक है। तो इसमें रोड सफारी में जो है इतना ही होता है, ये तीन ही पॉइंट होते हैं और लगभग आपको ये पता लग गया होगा कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है और कितना पहले। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होंगी। तो आखिर 5 दिन का इंतजार करने के बाद नैनीताल, अल्मोड़ा, जागेश्वर और जिम कॉर्बेट, 5 दिन का इंतजार करने के बाद आखिर बारिश आई है कहाँ आके, ड्यू ड्रॉप मैंगो ब्लूम रिजॉर्ट में। और आज हमारा ये 5 जगह का जो टूर था वो ख़त्म हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे और यदि आपको ये वीडियोस पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस बार में इतना ही, अगले किसी टूर पर अगले फिर अच्छे वीडियोज़ के साथ आपसे मिलूँगा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेन्द्र डवा फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार।